हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। देखिए, अभी के टाइम अगर देखा जाए तो कंटिन्यू निफ्टी के ऊपर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है एंड कंटिन्यू अपने मार्केट में सेलिंग चलते हुए नज़र आ रही है। रिसेंटली हमने देखा कि मार्केट नॉर्मली रुका था 24,080 रुपये के लेवल से। मार्केट में हमें एक जंप भी देखने को मिला, बट उसके बाद अगेन जंप के बाद हमें सेलिंग नज़र आ गई। तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो कहाँ पे मार्केट का बॉटम बन सकता है, ये हमारे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक सेलिंग तो बनती है, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा 200 पॉइंट जंप करता है, फिर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगा, हम स्टॉक ऐड करते हैं, वहाँ से और गिर जाता है, फिर वहाँ पर रुकने के बाद अगेन फिर रुकता है, गिरने के बाद फिर वहाँ से तेज़ी आती है, हम वहाँ पर ऐड करते हैं, अगेन हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो कहाँ पे अपने मार्केट का बॉटम बन सकता है और ये जो गिरावट है ये यहाँ पे क्यों हो रही है, वो भी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड ये सारी जो दोस्तों गिरावट की बात है, ये सारी मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर पहले से ही अपडेट दे रखी थी। एंड रिसेंटली हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट होते हुए नज़र आई, बट इसी गिरावट में हमने सिर्फ और सिर्फ 5 to ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 6 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न हमने बनाया, जैसे कि यहाँ पे आप टेलीग्राम के ऊपर भी चेक कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन नहीं हो तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे मैं नॉर्मली जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ एजुकेशन व्यू के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों, रिसेंटली 30 अक्टूबर को मैंने स्टॉक शेयर किया था आपके साथ, जिसका नाम है KJMC फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि नॉर्मली यहाँ पे 87 रुपीज़ के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। एंड मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि नॉर्मली ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बेटर है, इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं। एंड अभी के टाइम दोस्तों, रिसेंटली जो मैंने 30 अक्टूबर को शेयर किया था, नॉर्मली हमने 5 डेज के अंदर वही स्टॉक 87 रुपीज़ के लेवल से 133 एंड अभी के टाइम 10% अपर सर्किट लॉक में 140 रुपीज़ के लेवल्स तक पहुंचते हुए नज़र आया। ऑलमोस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 डेज के अंदर 60% तक के प्रॉफिट्स इस स्टॉक में देखने को मिले। अगर आप ऐसे स्टॉक्स मिस नहीं करना चाहते तो आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम में। एंड स्टॉक में दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मली टेलीग्राम के अंदर मैं आपको अपडेट भी देता रहता हूँ कि कभी फंड हमें हाथ में रखना है और कब नहीं रखना है। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के टाइम हम देख लेते हैं कि जो गिरावट है ये कहाँ तक जा सकती है। एंड अभी अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 26,200 के लेवल से पे जो ट्रेड कर रहा था, वो अगेन गिरते गिरते 24,000 के लेवल्स तक हमें पहुँचते हुए नज़र आ चुका है। अब देखिए, यहाँ पे गिरावट के मेजर रीज़न है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों, मेरी तरफ से कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से रहने वाला है। नॉर्मली हमने देखा कि मार्केट ओपन होता है एंड ओपन होते ही मार्केट में एक बड़ी सेलिंग दिखती है और धीरे धीरे करके फिर से यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल जाती है। हमने ये देखा कि रिसेंटली मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मार्केट में नॉर्मली हमें जंप नज़र आती है, बट मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन यही होता है कि मार्केट आपका नॉर्मली जंप करता ही है, चाहे 50 पॉइंट करे, बट उसमें तेज़ी आती है, तो वो डे एक अलग ही डे होता है। वो तेज़ी आज सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट एंड टोटल हमें सेलिंग देखने को मिली। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन हमने ये भी देखा कि जो FI एंड DIS का डेटा था उसमें दोनों ने यहाँ पर सेलिंग ही की थी मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। अब लास्ट 5 डेज का अगर देखा जाए डेटा तो 270 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे निफ्टी जो है वो 4% तक हमें ड्रॉप होते हुए नज़र आ चुका है। एंड 6 मंथ में जो बड़े रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे वो धीरे धीरे करके हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, top 5 major reason मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से अपने मार्केट जो है यहाँ पे कंटिन्यू गिर रहे हैं। देखिए, जो पहला जो रीज़न है वो यहाँ पे है इलेक्शन। अमेरिका में यहाँ पे हमें इलेक्शन होते हुए नज़र आएंगे, तो रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया के अंदर भी इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन से पहले सभी लोग बड़ी बड़ी पोजिशंस क्रिएट करके बैठे हुए थे, बट जैसे ही इलेक्शन आए सभी को सिंगल डे के अंदर 20 से 30% तक का लॉस का सामना करना पड़ा। हालांकि रिकवर भी हुए, बट जिन लोगों ने लगाया उनका ओवरऑल कुल मिला के एक टाइम के लिए लॉस देखने को मिला। तो अभी के टाइम देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग US इलेक्शन को लेके अपना पैसा निकाल भी रहे हैं, तो कुछ लोग लगा भी रहे, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि सभी का लोगों का कहना ये है कि इलेक्शन अमेरिका में है तो हमें यहाँ पर क्यों डरना चाहिए। देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो अमेरिका की जो GDP है वो यहाँ पे एक बड़े लेवल की GDP है और पूरे ग्लोबल दोस्तों यहाँ ग्लोबल मार्केट को भी इम्पेक्ट करता है। US मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में नॉर्मली हमें ग्लोबल मार्केट भी मूव करते हुए नज़र आ जाता है। US मार्केट में जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं USA में, वही उन डिसीजन से टोटल दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये जो इलेक्शन है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर जो है इलेक्शन की वजह से ही मार्केट में
एक डर का माहौल हमें बनते हुए नजर आ रहा है। चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि जनमत सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर का संकेत हमें देखने को मिलता है। देखिए अभी के टाइम वहाँ की जो सिचुएशन है वो हमें कौन सी नज़र आ रही है, 50-50 की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अब जब सिचुएशन 50-50 है तो इस वजह से मार्केट में डर का माहौल है। अगर डायरेक्टली क्लियर व्यू होता कि ये वहाँ से जीत रहे हैं तो उस बेसिस पे दोस्तों मार्केट एक अभी के टाइम मोमेंटम क्रिएट करना शुरू कर देता। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो डो जोन्स वगैरह ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल दोस्तों हमें यहाँ पर यूएसए इलेक्शन का रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है एंड आने वाले 2 से 3 दिन तक काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलिटिलिटी में मार्केट अपना रहने वाला है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना यह है कि यूएसए इलेक्शन को मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। नॉर्मली दोस्तों अगर देखा जाए तो वो चीज़ें डिपेंड करती है। देखिए नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टिलिटी रह सकती है एंड कमला हैरिस आती है तो उसमें से इस पे जो पुरानी पॉलिसी है वो सेम कंटिन्यू रहते हुए नज़र आ सकती है। अब मार्केट किसको पॉजिटिव लेगा वो देखना होगा हमें। उसी के साथ साथ अगर मार्केट यहाँ पे कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है उस बेसिस पे दोस्तों, अगर मार्केट किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेगा इलेक्शन को तो एक सेलिंग बन सकती है, अगर पॉजिटिव लेता है तो पॉजिटिव वे में हम जा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो क्या दोनों बेटर है, देखिए दोनों में से कोई भी आए ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से चीज़ें बेटर है। मूल्यांकन मतलब कि दोस्तों अभी के टाइम हम पी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़े से हाई लेवल पे है। जब भी निफ्टी का पी रेशियो 25 के आसपास पहुँचता है हम ओवरबॉट हो जाते हैं, जब हम 20-22 के लेवल पे होते हैं तो हम ओवरसोल्ड नहीं होते, हम न्यूट्रल होते हैं। हम जब 15 पे आते हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल सस्ते होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अभी के टाइम पी रेशियो के हिसाब से भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो थोड़े से हम महंगे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स वगैरह थे वो इतनी अच्छे नहीं आ रहे थे तो पी अपना निफ्टी का भी इंक्रीज हुआ। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट दोस्तों फैक्टर है वो है फेड रिजर्व की यहाँ पर रेट कट से रिलेटेड न्यूज। अब ये हमें देखने को मिलेगी दोस्तों 7 नवंबर को। 7 नवंबर को होगी FOMC की मीटिंग जहाँ पर यहाँ पे फेड रेट कट से रिलेटेड हमें देखने को मिलेगी। अगर विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पे 25 आधार अंकों की दर यहाँ पे कटौती होगी, मतलब यहाँ पे 0.25% यहाँ पे फेड रेट कट हमें होते हुए देखने को मिलेगी। और अगर देखिए 0.5 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें बेटर है, 0.5 होती है तो नॉर्मली ठीक है एंड 0.5 भी नहीं होती है, इस बार फेड रेट कट अगर होती ही नहीं है तो चीज़ें नेगेटिव हो सकती है। तो यूएस इलेक्शन ये जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मान लो कि यहाँ पे 5 नवंबर को ऐसे प्रेजिडेंट आ जाते हैं जो कि कुछ नए बदलाव बड़े बदलाव लाते हैं और उसकी वजह से फेड रेट कट नहीं हो पाती है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ऐसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं जो कि यहाँ पर फेड रेट कट को बढ़ावा देंगे तो ओवरऑल यहाँ पे वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हुए नज़र आएगा। और चौथा जो दोस्तों मेजर रीज़न है, हमारे जो रिजल्ट्स है वो थोड़े नेगेटिव आते हुए देखने को मिले, मल्टीपल्स कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिले हैं। एंड पांचवा जो मेजर रीज़न है सबसे बड़ा, जो कि दोस्तों ये है कि FIs वालों की कंटिन्यू सेलिंग हो रही है क्योंकि वो चाइना के मार्केट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी के टाइम यहाँ पर टेक्निकली व्यू के हिसाब से मेरा क्या व्यू रहेगा, देखिए नॉर्मली अगर मैं बात करूँ निफ्टी लार्ज कैप में सबसे बड़ी सेलिंग अभी के टाइम हो रही है। निफ्टी आपका 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 450 पॉइंट गिर चुका है एंड स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप यहाँ पे 1.5-2% हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं। मिड कैप जो है वो यहाँ पे नॉर्मली हमें 1-1% के आसपास गिरते हुए नज़र आ चुके। तो सबसे जो मेजर सेलिंग हुई है आज स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में, तो निफ्टी में सबसे पहले नॉर्मली मैं आपको व्यू शेयर कर लेता हूँ। देखिए निफ्टी में जब ये बीच में ये जो 2 कैंडल्स बनी थी तो नॉर्मली मैंने आपको अपडेट दिया था कि ये जो बाइंग है ये कोई बड़ी बाइंग नहीं है, ये एक पुल बैक भी हम इसे मान सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिला एंड लेवल मैंने आपको बताया था कि 24,750 का एक मेजर रेजिस्टेंट है। जब तक मार्केट 24,750 के नीचे है तब तक हम यहाँ पे बुलिश नहीं होंगे, हम बेयरिश के कंट्रोल में है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों यह है कि जब मार्केट 24,750 के ऊपर निकल जाएगा तो हम यहाँ पे बुलिश होने की सोच सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट जो है अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। आज हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया एंड सपोर्ट ब्रेक करके 23,500 के लेवल्स पे मार्केट यहाँ पे, अगर ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग होती तो 23,500 के लेवल की तरफ भी हम जा सकते थे, बट अभी के टाइम मार्केट बिल्कुल एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग दिया है, क्योंकि इस लेवल पे यहाँ पे भी मार्केट क्लोज हुआ था
एंड यहाँ पे भी हमें मार्केट क्लोज होते हुए अगेन देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला था एंड यहाँ से भी हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे कल एक पॉजिटिव व्यू मार्केट जो है इलेक्शन को लेता है। तो अगर मार्केट यूएस इलेक्शन को कल पॉजिटिव लेता है तो यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, अगर मार्केट यूएस इलेक्शन को नेगेटिव लेता है तो मार्केट में यहाँ पे 23,500 रुपये के लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं। बट मार्केट में हम वेरी बुलिश कब होंगे, मान लो यहाँ पे मार्केट 500 या 700 पॉइंट जंप कर जाए तो भी हम वेरी बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तेजी आई थी, यहाँ पे भी तेजी एंड यहाँ पे भी तेजी। तो हम बुलिश तभी होंगे जब 24,750 के ऊपर हम निकलते हुए नजर आएंगे। एंड मान लो हम यहाँ पर अभी के टाइम ये जो सपोर्ट जोन है, अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो दोस्तों ये है 23,800 रुपये का। अगर हम 23,800 रुपये के नीचे निकल जाते हैं तो हम जो है वेरी बियरिश हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम 23,000 रुपीज़ के लेवल्स तक भी जा सकते हैं। वेरी बुलिश हम यहाँ पे 24,750 के ऊपर एंड वेरी बियरिश हम यहाँ पे 23,800 रुपये के लेवल्स के नीचे। अगर इन दोनों में से कोई भी लेवल अप एंड डाउन में टूटता है उस डायरेक्शन में बड़े मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई भी जीते, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से चीज़ें सारी बेटर है। अगर हमारा नज़रिया लॉन्ग टर्म है तो हमें कोई भी बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। एंड फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें बेटर है। रिसेंटली मैंने मोरा ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर किए थे। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 to 10 स्टॉक 7 स्टॉक शेयर किए थे, उनमें से काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला भी है। वारी एनर्जीज में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेविटा में हमें सेलिंग नज़र आई है एंड KPI ग्रीन, जो कि देखिए ये सारे स्टॉक कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बेटर देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू।